हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स सीरीज। सो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर टू ऑफ क्लास इलेवेंथ एंड बीकॉम बीए एंड सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, एंड इकोनॉमिक्स के तीन टाइप्स, सेंटर वाली इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होते हैं। सो आज हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। यस, हमने वहाँ पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड है हमारे पास, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, सिर्फ 10 रुपये हैं, और आपको भूख लगी है, आप उस 10 रुपये से एक एप्पल खरीद सकते हो, समोसा खरीद सकते हो, बर्गर खरीद सकते हो, या फिर सिगरेट खरीद सकते हो, या एक और ले लो, चलो आप रसगुल्ला भी खरीद सकते हो। बट आपके पास प्राइस कितना है, सिर्फ 10 रुपीज़ है। तो सारी चीज़ें 10-10 रुपये की आ रही हैं, आप कोई एक ही खरीदोगे, क्योंकि आपके पास 10 रुपये, अगर 50 रुपये होते तो आप सारे खरीद लेते। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ेगा, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ी चॉइस, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे, आपके पास 10 रुपये ही थे, और आप उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ थे। अगर सिर्फ 10 रुपये का सेब ही आ रहा होता, बाकी चीज़ें नहीं आई होती, तो आपको फिर एप्पल ही खरीदना पड़ता या समोसा खरीदना पड़ता, क्योंकि सबके प्राइस 10 रुपये ही थे, इसलिए आपको चॉइस करनी पड़ती है। तो चॉइस प्रॉब्लम चॉइस अवाइज होती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। बट क्यों, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। मैं चाहता हूँ कि मैं सारा का सारा खरीद लूँ, और मुझे ख़रीदना भी है क्योंकि मुझे अर्जेंसी है, तो मैं इनमें से किसी एक चीज़ का चयन करूँगा। ये चयन करना ही हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहलाता है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। आइए हम बुक से स्टडी करते हैं। वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या है हमारी, अनलिमिटेड है। एट द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर स्केस। और हमारे पास मीन्स क्या है, साधन क्या है, बहुत कम होते हैं, इसलिए हमको चॉइस करनी पड़ती है। और ये चॉइस ही क्या कहलाती है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है, जिसमें हम इकोनॉमिकल यूज करते हैं हमारे स्केस रिसोर्सेस का। आई थिंक माई वीडियो इज विजिबल नाउ और नॉट, या इट्स विजिबल, श्योर। सो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कॉजेज क्या है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के, तो जो हमने यहाँ स्टडी किए हैं वही सारे कारण हैं। नंबर वन इज हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड होती हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लें, हम कंप्यूटर खरीद लें, मोबाइल फोन खरीद लें, कार खरीद लें, लेकिन हमारे पास पैसे क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें, और इनका अल्टरनेटिव यूज होता है, इसलिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, तो आप ये तीन रीजन लिख के आ सकते हो। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सो देखिए, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आती हैं। इकोनॉमी को ये तीन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नंबर वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर टू इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नंबर थ्री इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे।
देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कौन से गुड्स हमको बनाने चाहिए। सो इसके अंदर एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि उसको कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए, जैसे कि शुगर, क्लोथ, वीट की, जो कि हम आपस में नॉर्मल लोग अपने डेली यूज़ के लिए कंज्यूम करते हैं, या फिर कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए जो इंडस्ट्री में कंज्यूम होते हैं, जैसे कि मशीन्स, ट्रैक्टर वगैरह। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि हमको ये भी डिसाइड करना है कि कितने बनाने, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं और कितने बनाने हैं। देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी में लोगों को कंज्यूमर गुड्स के नीड्स ज़्यादा है, यानी कि हमारी इकोनॉमी भी अंडर डेवलप्ड है, लोगों के पास शुगर, वीट, खाने पीने की ये चीज़ें नहीं हैं, तो हम इनका उत्पादन ज़्यादा करेंगे। बट अगर हमारा देश डेवलप्ड कंट्री है, तो हम कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बनाएंगे, जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सकें। या फिर अगर वॉर का टाइम चल रहा है, तो वॉर के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, राइफल्स, गन्स, उनको बनाएंगे, और अगर पीस टाइम चल रहा है, तो हम डेली यूज़ की गुड्स को बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस करने की दो टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी। नंबर वन होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसके अंदर हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं कैपिटल से ज़्यादा, यानी कि ह्यूमन प्रोडक्शन करते हैं, लोग काम करते हैं यहाँ पर लोग काम करते हैं। जबकि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मशीनों के द्वारा काम होता है, मशीनों से काम को कराया जाता है। तो हमको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि हमको कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और कॉस्ट लोअर हो जाए। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, हमारी कंट्री में बेरोजगारी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे बेटा। अगर हमारे यहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, तो हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम आई, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। तो हम जो गुड्स बना रहे हैं, वो सोसाइटी के किस तबके के किस वर्ग के लिए बना रहे हैं। तो दो तरह की क्लास होती है सोसाइटी के अंदर, दो सेक्शन होते हैं, फर्स्ट है रिच क्लास, सेकेंड है पुअर क्लास। सोशलिस्टिस कब होगा, जब हम पुअर क्लास के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारी जो अमीरी और गरीबी के अंतर है, जो गैप है, वो कम हो जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी हिडन कॉस्ट हमको देनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर जो बनाने वाले होंगे, वो उसकी कॉस्ट को कम रखेंगे, इससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या होगा, हमारा जीडीपी भी कम हो जाएगा। सो इसका मतलब हमको सोशल इक्वालिटी और ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ दोनों का ध्यान रख के ही इस डिसीजन को लेना पड़ेगा। तो ये थी हमारी तीन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमको क्या बनाना है, कंज्यूमेबल गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है, मशीन से बनाना है या लेबर से बनाना है, एंड नंबर थ्री, फॉर होम टू प्रोड्यूस किस वर्क के लिए बनाना है, गरीब वर्क के लिए बना, अमीर वर्क के लिए बनाना है या गरीब वर्क के लिए बनाना है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि अगर हमारा रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा हो, अगर रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, उस केस में हमारा जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो पोटेंशियल आउटपुट से कम होगा। हमारे पास क्षमता जो है, जो कैपेसिटी है, वो 10,000 यूनिट्स बनाने की है, पर हमारा पर डे का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 8,000 यूनिट का हो रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ 8,000 है, जबकि पोटेंशियल हमारे पास 10,000 का है। इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगी तो फिर वो जो पूरा साइकिल है वो कम होता जाएगा, इसलिए हमारा जीडीपी लो रहेगा। तो इसका मतलब हमको अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे हमारा जीडीपी मैक्सिमम हो सके। तो अब बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या क्या दिए हैं इकोनॉमी के अंदर। अगर मार्केट इकोनॉमी होती, देखिए, अगर मार्केट इकोनॉमी होती तो व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए क्या करते, वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिनके प्राइसेस क्या हो, हाई हो, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर तो प्रोड्यूसर ही सारी चीज़ें डिसाइड करता है, क्या गुड्स बनाना है, कितना बनाना है और कितना प्रॉफिट रखना है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, तो वो टेक्निक प्रोड्यूस करेंगे जिससे क्या हो, उनके जो इनपुट्स की कॉस्ट हो वो क्या हो, लो हो जाए, यानी कि प्रॉफिट उनके मैक्सिमम हो जाए।
और वो होम डिपोड्यूस वो उनके लिए बनाएंगे जिनसे उनको क्या होने वाला हो, बेटर प्राइस मिलने वाला हो। तो मार्केट इकोनॉमी इन तीनों प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करती है। सेंट्रल इकोनॉमी की बात करते हैं, सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना करना होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन से वाले बनाएंगे जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, टेक्निक्स कौन सी लगाएंगे जिससे कि सोशल वेलफेयर हो यानी कि लोगों को काम मिले, तो हो सकता है हम इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे। और गुड्स किसके लिए बनाएंगे, उन लोगों के लिए बनाएंगे जो हंगर या स्टारवेशन से पीड़ित हो, जिससे क्या होगा हमारा सोशल वेलफेयर होगा। तो सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमी इस तरीके से इन तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लास्ट है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, पार्ट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये किस बेस पर डिसीजन होते हैं, ये दोनों डिसीजन मार्केट फोर्सेस और सोशल कंसिडरेशन दोनों को ध्यान रखकर लिया जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो क्लोथ्स हैं और जो स्टील है ये प्रोड्यूसर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस प्राइस पर बनाना है, कितना बनाना है, लेकिन जो रेलवे है वो अभी भी गवर्नमेंट के मोनोपोली में आता है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उसके रेट्स क्या होंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो पुअर पीपल भी होते हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो सोशल जस्टिस भी यहाँ पे हो रहा होता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर ऑल अबाउट दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो आपने देखा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।